রাজ্যের 87টি অনগ্রসর শ্রেণীকে কেন্দ্রীয় অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকাভুক্ত করার বিষয়ে রাজ্য সরকারকে নোটিশ জারি করল জাতীয় অনগ্রসর শ্রেণী কমিশন। উল্লেখ্য, রাজ্যের প্রস্তাবিত 87টি অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে 76টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং মাত্র 9টি হিন্দু সম্প্রদায়। কমিশনের চেয়ারম্যান হংসরাজ আহির আগামী 6ই নভেম্বর এই সংক্রান্ত শুনানিতে উপস্থিত থাকবেন। তার আগে এই 87টি অনগ্রসর শ্রেণী সংক্রান্ত নথিপত্র কমিশনে জমা করতে হবে রাজ্যকে। এই তালিকায় বেশ কিছু অসঙ্গতির অভিযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছেন হংসরাজ আহির। पश्चिम सरकार ने कुछ सूची भेजी थी, तो जिसकी हम अभी पिछले माह में उसकी समीक्षा की, अधिकारियों को बुलाया, हियरिंग भी ली, उन्होंने एफिडेविट भी दिया है। लेकिन जिन जातियों को हमने देखा है, उन जातियों को देखते हुए सरकार ने इसमें अल्पसंख्यक जाति के 87 जातियों की सूची में 78 जातियाँ उसमें देखी गई। 9 जातियाँ हिंदू भाइयों की है। ये जो डिफरेंस दिखता है, इसमें लोग शिकायत कर रहे हैं और अधिकार भी है कि जिन जातियों की सूची भेजी गई है, उनके सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए जजमेंट के अनुसार उस पैरामीटर का उन्होंने पालन किया है, जो कि नियम बने हुए हैं। अगर वो नहीं किए तो हम उसको और सुधार करने की उनसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं।